हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मसाला जो हर किचन में मिलता है, और इस मसाले के बगैर वो सब्जी तो बिल्कुल अधूरी है जिसे हम स्पाइसी बनाना चाहते हैं। तो ये है गरम मसाला। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी ना, तो वो यही है। इसके लिए हमें चाहिए ये मसाले। ये है ज़ीरा, लौंग, दालचीनी के और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च। अब इसके अलावा कुछ लोग हैं वो इसमें स्टार अनिस और सौंफ और हरी जो छोटी इलायची होती है वो सब डालते हैं, तो उन सबका फ्लेवर हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप उनको भी डाल करके बना सकते हो। अब इन सबको ना हमें अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं कि इनका जो अरोमा है ना वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, बढ़ जाए। और अलग अलग करने का ये है कि देखिए जीरा है तो ये बहुत मतलब बारीक है तो ये बहुत जल्दी भुन जाएगा, तो अगर हम इसको इस इलायची के साथ में गर्म करेंगे तो ये इलायची तो बहुत टाइम लेगी बट ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो ये जल जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और हमें इन सबको अलग अलग लेके ना ड्राई रोस्ट करना है। तो हम शुरुआत करेंगे जीरे से, और जो फ्लेम है वो हमें लो ही रखनी है, और इसे ना लगातार हिलाते रहिएगा अदरवाइज ये जल जाएगा। तो इसी तरह से आपको वन बाय वन करके सारे जितने भी मसाले थे इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और एक जो इनको ड्राई रोस्ट करने का रीजन है ना, वो ये भी है कि अभी ना रेनी सीजन है तो इनमें हल्की फुल्की ना सीलन रहती ही है, तो अगर आप इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लोगे ना तो ये जब आप पीसोगे तो बहुत अच्छे से एकदम फाइन इसको आप पीस पाओगे। मैंने इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया है, अब बारी है इनको पीसने की। तो सबसे जो मुश्किल जो रहेगा ना, जिसको पीसना मुश्किल होगा वो होगा तेज पत्ता। तो तेज पत्ते के साथ में ना आप इनमें से कोई भी एक जो मसाला है वो डाल डाल के पीसते जाइएगा, और आपको बहुत टाइम लगेगा इसको पीसने में। बाकी जो सारे हैं वो तो आराम से पीस जाएंगे बट ये थोड़ा टाइम लेगा। तो सबसे पहले मैं पीसूंगी काली मिर्च को। ये हमारी काली मिर्च है वो पिस के तैयार हो चुकी है, देखिए। अब ऐसे ही हमें जो हमारे जो बाकी मसाले हैं उनको पीस लेना है। तो अब काली मिर्च के बाद ना मैं इसमें थोड़े थोड़े तेज पत्ते डालते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा दूसरा जो मसाला है वो करते जाऊंगी, क्योंकि अकेला तेज पत्ता ना पिस नहीं पाएगा और उसको पीसने में ना फिर बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए अब थोड़ा थोड़े दूसरे जो मसाले हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दालचीनी है ये भी थोड़ी मुश्किल से ही पिस पाती है। अब इन सबको मिला के पीस लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का पीसेगा और ये एकदम बारीक नहीं हो पाएगा इसमें, तो अभी इसको ना आपको छानना पड़ेगा। जो आप छान लोगे तो जिसका बारीक जो है वो तो नीचे निकल जाएगा, जो हल्का फुल्का रह गया ना उसको हम जो नेक्स्ट पीसेंगे मसाला उसके साथ डाल के ना पीस लेंगे। तो ये देखिए छानने के बाद कितना सारा इसके ऊपर रह गया, और ज्यादा हमें ना इसको और छानना है नहीं, तो नीचे क्या होगा फिर जो थोड़ा मोटा मोटा है वो भी निकल जाएगा। तो हमें बिल्कुल हल्के हाथ से छानना है, जितना निकलेगा वो निकल जाएगा और जो रह जाएगा उसको हम दोबारा पीस लेंगे। मैंने ना सारा जो गरम मसाला था सारा उसको छान लिया है, लेकिन ये जो है ना लास्ट में बड़ी इलायची का जो होता है छिलका उसके साइड में जो होता है ना, ये चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो ये आप नहीं पीस पाओगे। तो बस ये इतना ही छान के आप तैयार कर सकते हो। अब ये जो बचेगा इसको आपको फेंक देना, अभी पिसा भी नहीं जाएगा।
मैंने सारा मसाला पीस के छान के तैयार कर लिया है हमारा गरम मसाला। तो ये देखिए एकदम बढ़िया, और इसकी जो अरोमा है ना वो मार्केट में जो गरम मसाला मिलता है ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। और ये मैंने जो बनाया है ये मैंने बनाया है पूरे साल भर के लिए, तो आप अपने हिसाब से बना के रख सकते हैं, और आप इसको 1 साल के, आप इसको 2 साल भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो है अरोमा वो ख़राब नहीं होगा। तो आप भी लाइए मसाले और घर पे बनाइए, और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका गरम मसाला कैसे बना।